आप देख रहे हैं एएमआई न्यूज़, मैं हूं रितु। पठानकोट के शाहपुरकंडी में बैराज डैम का काम 85% तक पूरा हो गया है। हाइडल पर दो पावर हाउस बनेंगे जिसका टेंडर एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, जिसपे 621 करोड़ की लागत आएगी। 206 मेगावाट के इन दिनों पावर हाउस में 1042 मिलियन यूनिट पर हर साल बिजली का उत्पादन होगा। दो साल में से ये दोनों पावर हाउस बनकर तैयार हो जाएंगे। बैराज प्रोजेक्ट जुलाई 2023 तक तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। शाहपुरकंडी में बन रहे बैराज प्रोजेक्ट का 85% काम पूरा कर लिया गया है। पंजाब सरकार और भारत सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो एक भी बूंद पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जा पाएगा। अभी तक रावी से ओवरफ्लो होकर पानी पाकिस्तान की ओर चला जाता है, परंतु ये शाहपुरकंडी डैम बनकर जब तैयार हो जाएगा तो शाहपुरकंडी में पानी को स्टोर किया जाएगा और हाइडल चैनल नहर जो अभी बनाई जा रही है उस पर दो पावर हाउस का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों पावर हाउस की क्षमता 206 मेगावाट है, जिन पर पानी यूबीडीसी नहर से छोड़ा जाएगा। 206 मेगावाट के इन दोनों पावर हाउस में से एक साल से 1042 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ये सभी काम कंप्लीट करके 2023 के अंत तक बैराज प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके इस राष्ट्रीय धरोहर को देश के हवाले कर दिया जाएगा। पंजाब सरकार और भारत सरकार की मदद से पठानकोट विखे शाहपुरकंडी डैम प्रोजेक्ट रावी दरिया पर उसारा जा रहा है, जिसमें इसके दो मुख्य कंपोनेंट शाहपुरकंडी डैम और पावर हाउस हैं। इसमें शाहपुरकंडी डैम का काम जो है बड़ा एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन में है, जिसमें लगभग 82% काम जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो बाकी काम है उस पर भी काम चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस काम में और तेज़ी लाकर इसको जुलाई 2023 नेक्स्ट ईयर इसको कंप्लीट कर सकें और हम आस करते हैं कि अगले साल दिसंबर एंड तक इस डैम को कंप्लीट करके इसमें हम पॉन्डिंग शुरू करके इसमें हम जो पानी की रेगुलेशन है वो स्टार्ट कर देंगे, जिसमें J&K को लगभग 32,175 हेक्टेयर सिंचाई की सहूलतें मिलेंगी और बाकी जो मुख्य जो मेन पानी है वो हमारा दरिया के थ्रू माधोपुर के थ्रू UBDC में जैसे जा रहा है वैसे जाएगा। इसमें हमें पंजाब में ये बेनिफिट होगा, जो हमारा पानी जब हम रणजीत सागर डैम पीकिंग पे चलाते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है जो हमारी UBDC सिस्टम नहीं ले पाता वो हमें पाकिस्तान छोड़ना पड़ता है। अभी नेक्स्ट ईयर एंड तक ये जो समस्या है इसका समाधान निकल जाएगा, क्योंकि जब आप पॉन्डिंग शुरू करेंगे तो हम वहाँ से शाहपुरकंडी डैम से रेगुलेट करेंगे और पानी जो है पाकिस्तान को वेस्ट जाना बंद हो जाएगा। हिमाचल में चुनावों के बेहतरीन कवरेज के बाद अब पंजाब और जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं हम। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे हम। आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुँचाएंगे हम। किसी भी समस्या या परेशानी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम हैं AMI न्यूज़, आपकी आवाज़। आपकी आवाज़।